लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये आपका एक्सरे, रीढ़ की हड्डी की पैकिंग थोड़ी खराब हुई है, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। कुछ दिन प्लास्टर पे रहना पड़ेगा, जरा भी हिले बिना। प्लास्टर या बेड़ियां? नहीं नहीं, मुझे प्लास्टर नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, नर्स नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं जकड़ सकता, न किसी की नफरत न किसी का प्यार। अलकनंदा, मेरे पैर सुन हो रहे हैं डॉक्टर। आपको कुछ महसूस होता है? नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, मेरे पैर इस दर्द से तो मौत अच्छी। कोई रिस्पांस नहीं, उनकी सब नसें सुन हो गई है, फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना पैरालिसिस, फालिज, सारा बदन सुन। ऑपरेशन? हाँ, इमरजेंसी ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी का, बड़ा नाजुक और खतरनाक, जो सिर्फ डॉक्टर वर्मा ही कर सकते हैं। लेकिन वो तो आज दिल्ली जा रहे हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, वो उसके चेयरमैन हैं। कुछ भी हो, रोकना ही होगा उन्हें। सुनिए, अलकनंदा डॉक्टर वर्मा ही की बेटी है। वर्मा, मैं बैनर्जी बोल रहा हूं, एक ऑपरेशन है, इमरजेंसी, एक लड़की का रीढ़ की हड्डी का। जी, नाम है अलकनंदा। हाँ हाँ, अलकनंदा आप ही की बेटी। ठीक, अभी अब नहीं, आई एम सॉरी डॉक्टर बैनर्जी, मैं ही एक सर्जन नहीं हूं दुनिया में। मैं जानता हूं तुम क्यों आए, और ये जानते हुए भी आप? ये मेरा घरेलू मामला है, वो मेरे लिए मर चुकी है। अलकनंदा ना, मगर वो जो अभी मरी नहीं, एक डॉक्टर के लिए। मुझे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाना है। जा सकेंगे आप? ना समझ, ऑपरेशन करते वक्त मुझे गुस्सा आ गया, मेरे हाथ कांप गए, वो मर गई तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर। ऑल राइट, डॉक्टर बैनर्जी, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तुम्हारे दिए हुए माँ चुप हो रहे हैं।
डॉक्टर। डॉक्टर बैनर्जी अलकनंदा। शी इज ऑल राइट, ऑपरेशन कामयाब। सच? धन्यवाद। चुप हो गए अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा तुम मेरी हो ना? अच्छा होना चाहती हो ना? पगली। डॉक्टर, एनेस्थेशिया का असर है। नाउ यू शुड नॉट डिस्टर्ब हर। जाइए, आप भी आराम कीजिए। जब तक डॉक्टर कहें। क्या कहते हैं डॉक्टर? नाच तो सकूंगी ना? वही जाने। नहीं। ये क्या कहते हैं आप? ये ना सकेंगे, जरूर ना सकेंगे। हाँ, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। पर तुम नाच नहीं सकोगी। तुम कौन हो रोकने वाले? जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अलकनंदा, क्या है ये? सॉरी, मुझे सच नहीं बोलना चाहिए था। डॉक्टर, मुझे जहर दे दो, जहर सहन नहीं होता। नर्स, ब्रांडी और ऑरेंज जूस। ब्रांडी? ऐसी हालत में कभी कभी ब्रांडी ही दर्द को दबा देती है। डॉक्टर, कैसी दवा है ये? नहीं नहीं, ये नहीं। अलकनंदा, इधर देखो, मेरी तरफ। क्या हो गया हमारे गर्दन को? घबराइए नहीं हुजूर, बंदा सब ठीक कर देगा।
कितना नरम है तुम्हारा हाथ, है ना? हाँ। यहाँ तो सभी नरम नरम है, राजकुमार का दिल भी कितना नरम है, पिघलने वाला है ना भैरवी? हाँ हाँ, तभी तो वो दो महीनों से रात रात भर जागते हैं मोमबत्ती की तरह, एक मामूली लड़की के सिरा में। हाँ, इसी का नाम शराफत है। हाँ, शराफत ठीक है। अरे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पर केदार, इतनी सेवा करने पर भी उस लंगड़ी का पाव ठीक न हुआ तो नहीं तो क्या करेगी वो, कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, यहीं रहेगी। यहीं? हाँ यहीं यहीं यहीं। मगर किस हैसियत से? अंकल रॉयल। हाँ, अरे आप, अरे 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 अरे, मुझे जान से मारना चाहते हो क्या? नहीं हजूर, मैं तो आपके टेढ़े विचार, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपकी टेढ़ी गर्दन को झटका देकर ठीक कर रहा हूँ। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं हजूर, ये है झटका। ये रही आपकी सारी जायदाद। पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम। क्यों बेटा, कोई खास बात? हाँ माताजी, माताजी मैं सोचता हूँ कि अलकनंदा की हालत संभले तो उसे ललित महल में ले आए। बस इतनी सी बात तो ले आएंगे, मगर वो बेचारी अब नाच तो नहीं सकेगी बेटा। शायद नहीं, मगर मगर मैं उसे किसी और हैसियत से लाना चाहता हूँ। कोई और हैसियत? आपकी बहू बनाकर। बहू? आपकी आज्ञा हो तो। मेरी आज्ञा? पहले उससे तो पूछ लो बेटा। पूछ लो तो इसका मतलब है मिल गई आपकी आज्ञा। हेलो डॉक्टर, सुनिए, ये बैसाखियां आप, ये मैं अलकनंदा जी को दे तो अच्छा होगा। अब यही उनके पांव है, यही उनका सहारा है। बाया पांव बहुत कमजोर हो गया है, जरा भी दबा पड़ा तो रीढ़ की हड्डी पर फिर से बुरा असर। लेकिन ये कितने दिनों तक? शायद चंद दिन या हमेशा के लिए। हमेशा के लिए भी? आपने अलकनंदा से कुछ कहा? हिम्मत नहीं हुई। नई बहार, नई जिंदगी का स्वागत करने। नई जिंदगी। अलकनंदा, अभी तक तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम्हारी सच्ची कसौटी अब है। ये बहाना किस लिए? कह दो ना मैं लंगड़ी हो गई हूँ। ऐसा नहीं अलकनंदा, सिर्फ कुछ दिनों। बैसाखी यहाँ लाने के लिए कहो ना। बैसाखी? किसने तुमसे कहा? बोलो किसने कहा? अल्का, मैं तुम्हें ललित महल ले जाना चाहता हूँ। ये देखने कि एक लंगड़ी कैसे थिरकते हैं तुम्हारी ताल पर। नहीं अल्का। तो मैं क्यों जाऊँ? क्यों? दुल्हन बनने। ललित महल की बहू। ये क्या? सगाई का नेकलेस। सगाई का नेकलेस। राजमाता। तुमने हाँ कह दी तो वो ना नहीं कहेंगे।
अलका, मजाक आपने उड़ाया, हंसी मुझे आ गई। मजाक? क्या बड़े लोग मुझ जैसे लंगड़ी लड़की उसे प्यार करते हैं? क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अलका। ये प्यार नहीं, कुछ और है। और? दया, तरस। नहीं अलका, नहीं, मुझे अपने संगीत की कसम। भौरा भी रोज कसमें खाता है अपने संगीत की, कली कली मनराता, उनका रस चूसता। अलका, ले जाइए इसे। अलका, सच बोलो, क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? नहीं, वो एक ढोंग था। ढोंग? नृत्य सीखने, सिर्फ नृत्य सीखने। दो तार जो मेरे दिल में झंझना उठे तुम्हारे आने से। वो ललित महल का श्राप है, जाइए यहाँ से। अलकनंदा, तुम्हारे आने से पहले मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, मगर अब मुझे नफरत हो गई है सारी स्त्री जाति से। Thank you.